हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहिए। टुडेज मेकअप ट्यूटोरियल इज अ ऑफिस पार्टी मेकअप लुक। जो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, इट इज़ अ वेरी सटल एंड सिंपल। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। फर्स्टली मैं अपनी आईज मेकअप से स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैंने अपनी आईब्रो को फिल करना स्टार्ट कर दिया विद दी हेल्प ऑफ एंगल ब्रश, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अपनी आईब्रो को फिल करने के बाद मैं अपने आईज पर लगाऊंगी आई प्राइमर, जिसके बाद मैं इसको आई प्राइमर अप्लाई करूँगी। इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो पर। इसके बाद मैंने अपने आईज़ पर लगाया है कॉम्पैक्ट, जिससे कि जो भी मेरा बेस है वो अच्छे से सेट हो गया। इसके बाद मैंने लिया है एक ब्लू कलर का आई शेडो एंड फ्लफ़ी ब्रश। तो इस फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी अपनी क्रीज पर। इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने अपने आईज़ के लिए सिर्फ वन शीट का ही कलर दिया है, वन आई शेडो। तो हम अपना पूरा आईज मेकअप ब्लू कलर से ही करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपनी आईज़ पर लगाऊंगी एक शिमरी शेड, जो कि मैंने अपने फिंगर से अप्लाई कर ली, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये भी ब्लू कलर का था। इसके बाद मैं अपनी आईज़ पर लगाने वाली विंग आईलाइनर। अगर आप लोगों को आईलाइनर लगाना नहीं आता तो इसका ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को आई बटन पर दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेना। इसके बाद मैं अपनी दोनों आईज़ पर आईलाइनर अप्लाई करने के बाद अब मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर ऑन दी बोन एरिया, जो कि हमारे आईज मेकअप मेन पर हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। तो मस्कारा लगाने के बाद हमारा आईज मेकअप हो जाएगा डन। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना फेस मेकअप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैंने अपने फेस पर लगाया है प्राइमर। प्राइमर को लगाने के बाद मैं इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद हम अपने फेस पर लगाएंगे फाउंडेशन। आपको जिस तरीके का भी फाउंडेशन पसंद है आप उसको यूज़ कर सकती हैं। मैं लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें मैं टू टोन्स यूज़ करनी हूँ। तो जब भी आप लोग फेस मेकअप करें तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्टली आप लोगों को पहले सभी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने, उसके बाद पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा फाउंडेशन है ये भी क्रीम प्रोडक्ट है। तो इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ, जैसे कि करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जल्दी से जाकर देख लेना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मेरे स्किन पर अच्छे से स्मश हो गया है ये प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया था कंटूरिंग, जो मैंने स्टार्ट कर दिया अपने फेस पर। जो मेरी चीक्स हैं, मैं इसको थोड़ा लिफ्टेड सा दिखाना चाहती थी, तो मैंने इस तरीके की ट्रिक यूज़ की। तो मैंने देखा था कि समटाइम्स जो लड़कियाँ हैं वो अपना मेकअप करते टाइम अपने नोज़ के साथ लिप्स की कंटूरिंग भी करती हैं, तो मैंने भी कंटूर शेड को अपने लिप्स पे लगाया। तो मेरी हंसी बिल्कुल नहीं बंद हो रही थी, क्योंकि मैं एक बत्तख की जैसे लग रही थी। लिटरली मुझे वही फीलिंग आ रही थी। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैंने कौन सी कंटूरिंग की है, तो बाद में मैंने कहा कि अब लगा दिया तो हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ये वाला लुक पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ़ दी लिप्स। तो मैंने सबसे पहले अपनी लिप्स की कंटूरिंग को ही डन किया था, अच्छे से ब्लेंड कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले अपने लिप्स पर मिक्स कर दिया है अपने कंटूरिंग को, उसके बाद मैं अपने पूरे फेस के कंटूर को ब्लेंड कर रही हूँ। जो ये मैंने कंटूरिंग क्रीम कंटूर लिया, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। क्रीम कंटूर को ब्लेंड करना बहुत इजी हो जाता है। ब्लेंडर की हेल्प से इसके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंटूरिंग रह गई है, तो मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ना उसकी कंटूरिंग ब्लेंड करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अपने फेस पे अप्लाई करना कॉम्पैक्ट, तो जिससे आपका बेस सारा सेट हो जाएगा। तो मैंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी कंटूर एरियाज को छोड़कर, ये थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। तो मैं अपना एक कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको अच्छे से टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको चाहे तो एक ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं।
इट इज़ योर चॉइस कि आप किस तरीके से प्लान करना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ब्लशर लगाना। तो मैं ब्लशर को अपने ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट नहीं है, ये पाउडर प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने आप लोग कहा था कि बाद में आपको पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करने होंगे, तो मैं अब अपने फेस पे लगाने वाली हूँ हाइलाइटर, चीक बोन्स पर, नोज़ पर,